छतरपुर जिले के सटई में अवैध रेत परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पड़रिया चौकी प्रभारी कल्याण सिंह यादव ने रेत का अवैध परिवहन कर रहे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। चौकी प्रभारी ने बताया कि नेगवा गांव से ओवरलोड रेत से भरा ट्रैक्टर जा रहा था। जब ट्रैक्टर चालक से पूछताछ की गई और कागज मांगे गए तो उसके पास कुछ भी नहीं था। अवैध बालू का ट्रैक्टर मुकेश पटेल छतरपुर का बताया जा रहा है। एसपी साहब का लगातार ये आदेश हो रहा है कि अवैध रेत परिवहन करने वाले सभी वाहनों को जब्त किया जाए, अवैध रेत परिवहन को रोका जाए। तो एसडीओपी महोदय बिजावर एवं सटई थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में कल जब हम ड्यूटी से लौट के आ रहे थे तब एक रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाता देखा, जिसे रास्ते में रुककर पूछताछ की गई कि ये रेत परिवहन के जो वैध कागजात रॉयल्टी वगैरह है, तो उसने नाम होना बताया। ट्रैक्टर के संबंध में पूछा गया तो किसी मुकेश पटेल छतरपुर के, उनके बारे में बताया कि ट्रैक्टर उनका है। तो अवैध परिवहन करने से उक्त ट्रैक्टर पर कार्रवाई की गई और उनकी जब्ती कर अग्रिम कार्रवाई हेतु खनन विभाग को भेजकर ट्रैक्टर को सुरक्षा चौकी में खड़ा करवाया गया।